लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नए साल 2022 के जश्न पर थाने का आबकारी और उत्पादन शुल्क विभाग पैनी नजर बनाए हुए है। आज राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के थाने जिलाधीक्षक नीलेश सागड़े ने बताया कि बीते साल में नकली शराब के उत्पादन और बिक्री से जुड़े कुल 322 अपराध दर्ज किए गए, जबकि 210 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं 84 लाख का माल भी बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि इस साल 31 के मद्देनजर भी नकली शराब की बिक्री, उत्पादन और सप्लाई पर निगरानी के लिए 5 टीमें तैनात की गई हैं, जिन्हें संदेहास्पद वाहनों और लोगों की जांच पड़ताल करने के साथ ही विशेष गाइडलाइन का पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अधीक्षक नीलेश सागड़े ने कहा कि जगह जगह नाकाबंदी लगाई जा रही है और जो भी लोग कोरोना प्रोटोकॉल और विशेष नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनाते हैं अधीक्षक ने और क्या कुछ कहा। 10 दिसंबर तक 322 गुने दाखिल कर दिए गए हैं, उसमें 210 आरोपी को गिरफ्तार किया है और 84 लाख का मुद्देमाल भी जब्त किया गया है। 31 के अनुसार राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के मार्फत 5 विशेष भरारी पदक तैनात किए गए, उसमें इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, जमादार, ड्राइवर, ये टीम कार्यरत रहेगी। वो नाकाबंदी करेगी और व्हीकल चेकिंग करेगी, सस्पेक्टेड व्हीकल्स को भी वो रुकाकर जानकारी लेगी। इन भरारी पदकों के माध्यम से अवैध रीत्या दारू की निर्मित, प्रोडक्शन, उसके बाद उसका बिक्री और सेल, इन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। 31 के अनुसार कहीं भी डुप्लीकेट लिकर सेल ना हो या फिर कोई इलीगल लिकर कोई परचेस ना करे, इसकी वजह से ये भरारी पदक नाकाबंदी करेंगे। जो सस्पेक्टेड व्हीकल्स है उनको चेक करेंगे, उसके बाद जो सस्पेक्टेड पर्सन है जो इसके पहले अरेस्ट किए गए थे उन पर निगरानी रखेंगे, और जो टाइमिंग दिए गए गवर्नमेंट ने और जो कोविड के नियम दिए उनके अनुसार काम करने के लिए ये सब पदक तैनात किए गए, उनके साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी फील्ड में तैनात है। 31 के अनुसार कोई भी अनुचित प्रकार न हो इनको वैसी सख्त सूचना दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।